प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो कि उसने एक और सप्ताह हमें दिया, ताकि पूरे सप्ताह हम उसको धन्यवाद देते रहें, ऊँचा उठाएँ, हम घटें और वो हमें बढ़ता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। आज का संदेश सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसके पहले पद पर है। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं। पहली बात लिखी है अच्छा नाम अनमोल इत्र से, और दूसरी बात लिखी है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो हम जो दूसरा हिस्सा है उस पर गौर करेंगे आज। पहले हिस्से पर फिर किसी दिन मैं वीडियो बनाऊँगा, अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। तो आज हम देखेंगे मृत्यु का दिन की उत्तम बताया गया है इस वचन में सुलेमान के द्वारा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम शब्दों में सारी बात आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। अगर यहाँ पर लिखा है कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है, तो इसका बहुत बड़ा भेद है। तो उस भेद को आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जाने। ये सच्चाई है बाइबल की, और इन सच्चाइयों को जानना हर एक विश्वासी का हक है, कर्तव्य है, और उन्हें जानना भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें एक सवाल होता है प्रतिदिन, उसका जवाब मैं देता हूँ। आज का सवाल है कि ज्योतिषियों को किसने यीशु मसीह तक पहुँचाया? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, ज्योतिषी जब राजा के पास आए, उन्होंने पूछा कि हम तो राजा को देखने आए हैं, उसके प्रणाम करने आए हैं जिसका जन्म हुआ है, तो किसने यीशु मसीह तक ज्योतिषियों को, या जिन्हें मजूसी कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचाया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए। आज के वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, और आप जान जाएंगे 15 सेकेंड में कि किसने ज्योतिषों को यीशु मसीह तक पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, धर्म शास्त्र को, सच्ची बातों को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। ये मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर कर रहे मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, तफरके, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव हर एक घर से दूर कर, हर एक के जीवन में सुख शांति समृद्धि दे मेरे प्रभु। मैं विनती करता हूँ हर एक घर से, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़े दूर कर, बेरोजगारी दूर कर, बांझपन दूर कर प्रभु जी, और प्रभु जी कर्जे दूर कर, नशा दूर कर प्रभु जी। जिन घरों में असाध्य रोग में लोग पड़े हैं, उनके इन रोगों को दूर कर प्रभु जी, उन्हें उठाकर खड़ा कर, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। परमपिता परमेश्वर, जो लोग घरों से चले गए हैं नाराज होकर या वैसे ही खो गए हैं, उन्हें घर लौटा कर ला, ताकि हर एक घर आनंदित हो और तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करते हैं, और ये संदेश है सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय 1 पद। छोटा सा वचन है, पूरा वचन सुनिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। इस प्रकार से लिखा है, सुलेमान का लिखा हुआ वचन है। सुलेमान कहता है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। अब मृत्यु का दिन कैसे, अगर इसको साधारण रीति से हम देखें तो कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार मृत्यु का दिन कैसे जन्म के दिन से उत्तम हो सकता है, क्योंकि मृत्यु शोक का दिन होता है और जन्म आनंद का दिन होता है।
इन दोनों में कोई मेल मिलाप है ही नहीं, तो मृत्यु का दिन कैसे अच्छा बताया गया है। लेकिन बाइबल जिस बात को उत्तम बताती है वो 100% उत्तम है। एक बार एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया भागा और उसने कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, अर्थात परमेश्वर। ये बात सच है, परमेश्वर उत्तम है तो है। यहाँ पर लिखा है कि जन्म के दिन से उत्तम है मृत्यु का दिन। क्यों कहा गया? क्योंकि मृत्यु तो शोक का दिन है, उस दिन रोना पीटना, मातम मनाना, दुहाई देना होता है। और जन्म के दिन में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, बहुत कुछ होता है। तो इन दोनों बातों को एक साथ रखकर सुलेमान हमें क्या समझाना चाहता है? ये पुराने नियम की बात है, लेकिन जो शब्द मैं अब यूज करने जा रहा हूं वो शब्द पुराने नियम में है ही नहीं। लेकिन इस शब्द को यहां पर यूज ना करके सुलेमान ने एक इस तरह से हमारे सामने रखा है कि हम इसके भेद की बात को समझें। जब मनुष्य का जन्म होता है उसके बाद उसका एक जीवन के अंत का जो दिन होता है वो नियुक्त होता है, एक्सपायरी डेट जिसे कहा जाता है, कि यहाँ तक, इस दिन तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा और उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। एक जीवन का जो एक सफर है वहीं तक होता है जहां तक लिखा होता है परमेश्वर की ओर से। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु जो है वो तीन प्रकार की बताई गई है बाइबल में। वैसे तो हम जानते हैं कि अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो वहां पर लिखा है दूसरी मृत्यु, वो मृत्यु वो है जो न्याय के बाद की मृत्यु होगी। लेकिन एक मृत्यु वो है जब इंसान जन्म लेता है और उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और वो खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं मृत्यु। दूसरी मृत्यु जो बाइबल में बताई गई है वो प्रकाशित वाक्य में है। दूसरी मृत्यु वो है जब न्याय का समय होगा, तब ये शरीर नाश किया जाएगा और उसका न्याय होगा, अच्छा या बुरा। अच्छा काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। लेकिन मैं जो आपके साथ जिक्र कर रहा हूं वो तीसरी मृत्यु है, जिसके विषय में सुलेमान ने 7 अध्याय के पहले पद में बताया है। ध्यान से सुनिएगा इसकी बात, इसका जो भेद है वो मैं अभी प्रकट करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ये कौन सी मृत्यु का जिक्र यहां पर सुलेमान कर रहा है? ये कौन सी मृत्यु है जिसके बारे में वो हमें बताना चाह रहा है? हमें इसको समझने की जरूरत है। हर एक विश्वासी इस बात को जाने कि क्यों सुलेमान ने कहा है कि मृत्यु का दिन उत्तम है जन्म के दिन से। ये जो मृत्यु है ये वो मृत्यु है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना जीवन डेड हो जाता है, मर जाता है, वो होता है हमारी मृत्यु का दिन। वो दिन हमारे लिए उत्तम है क्योंकि हमने अपने शारीरिक कामों को छोड़ दिया है, उन्हें त्याग दिया है, उनका मर्डर कर दिया है, उन्हें मार डाला है, खत्म कर डाला है पानी में डूब कर। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु का दिन यानी कि बपतिस्मे का दिन हमारे जन्म के, जब हम माँ के पेट से निकलते हैं उस जन्म से अच्छा है बपतिस्मे के दिन जन्म लेना। वो उत्तम दिन है हमारे लिए क्योंकि तब हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, एक नए जीवन के सफर में हम चल पड़ते हैं। हम तब बहुत सारे ऐसे पवित्र लोगों के साथ चलते हैं जो पहले से ही प्रभु के हैं। हम ऐसे सफर में चल पड़ते हैं जहां पर हमारे विचार बदले होते हैं, जहां पर हमारी दृष्टि बदली होती है, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा सब कुछ बदला होता है।
एक नया जीवन। बपतिस्मा लेने के बाद जब हम पानी से बाहर आते हैं, हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। पुराना जीवन मर चुका होता है, डेड हो चुका होता है। इसीलिए सुलेमान कहता है कि मृत्यु का दिन यानी कि बपतिस्मे का दिन हमारे जन्म के दिन से उत्तम है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु को अपना, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं और सरेंडर करके जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उस समय हमारे पुराने कामों की मृत्यु हो जाती है और वो काम खत्म हो जाते हैं। हम पानी से बाहर निकलते हैं, एक नया जीवन परमेश्वर हमको देता है। ज़रूरत है हमें उस जीवन में आगे आगे और आगे बढ़ते चले रहने की। तो आज ही प्रार्थना करें अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु, मैं अपने पुराने जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, मैं अपने पुराने जीवन से मुक्ति चाहती हूँ, मुझे वो मृत्यु का उत्तम दिन चाहिए जो प्रभु तेरे वचन में लिखा है। जैसे कि प्रभु वचन में लिखा है कि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है, तो प्रभु वो मृत्यु का दिन, वो बपतिस्मे का दिन, वो नए जन्म का दिन मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे नया जीवन दे और इस उत्तम मृत्यु का स्वाद मुझे चखा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे छोटी सी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के लोगों से बातचीत कीजिए, अपने पास्टर से बातचीत कीजिए और बपतिस्मे की शिक्षा प्राप्त करके बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि जन्म के दिन से मृत्यु का दिन उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि आज आपने, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जो दूसरा चैनल है मेरा ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि मजूसियों को यानी कि ज्योतिषियों को कौन यीशु मसीह के पास तक लेकर गया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कौन उनको यीशु मसीह तक लेकर गया। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और वचन के भेदों को जानने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।